नमस्कार, BN24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। बीती रात्रि में सरदारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोपाल के नदी निर्माणाधीन सड़क पर कार्यरत मजदूरों के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल में गौशाला के समीप एक कुटिया में मजदूरों का डेरा था। ये लोग निर्माणाधीन बड़ोदिया भोपाल सड़क पर कार्य कर रहे थे। लगभग रात्रि 11 बजे के लगभग अज्ञात बदमाशों ने पत्थरों से मजदूरों से मारपीट कर मोबाइल, चांदी की चेन और कुछ नकद राशि लूट ली। एक महिला मजदूर के साथ दुष्कर्म भी किया। SDOP SYD शास्त्री तत्काल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे गए। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए रात्रि में ही SP वीरेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर पहुंचकर टीम गठित कर रात्रि में ही सर्चिंग की, लेकिन लुटेरों का पता नहीं लगा। घटना की सूचना मिलने पर धर्मेंद्र चौधरी ग्रामीण DIG इंदौर जोन पुलिस महकमे के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। SP वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2-3 बदमाशों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बहुत जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रात में लगभग 12 बजे के आसपास की घटना है। वो बावर गांव सरदारपुर थाने का है। यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो रहा है, जिसमें रात को ही मजदूर जो है काम कर रहे थे। वो रात में लगभग 12 बजे के आसपास कुछ बदमाश वहाँ पर आए और उन लोगों ने जो है पत्थर मारा इनके ऊपर, इनसे कुछ मोबाइल फोन, कई 4-5 मोबाइल फोन, एक चांदी की चेन और कुछ पैसे ज़्यादा नहीं थे, खरीद गए हैं। ये लूट कर के मौत लिया गया और इसके अतिरिक्त वहाँ से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक टपरी बनी हुई थी, वहाँ पर जो है एक महिला के साथ में ये लोगों ने जो है दुष्कर्म किया है, ऐसी रिपोर्ट मिली है। इसमें रात को सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा नाकेबंदी की गई है और नाकेबंदी करके जितने भी संभावित आने जाने के मार्ग थे वहाँ पर हम लोगों ने जो है सर्चिंग कराई थी। इसमें कुछ नाम भी आए हैं।